खुश हो जाते हैं। बजरंगबली इस कलयुग के देवता हैं। हम सबको मालूम है कि उन्होंने भगवान राम की ही सेवा की। भगवान राम जब सरयू नदी में अपना जलमग्न होने जाने लग गए तो हनुमान जी पीछे पीछे चले, तो उस समय राम भगवान ने हनुमान जी को रोका कि हनुमान तुमको नहीं जाना है। हनुमान जी बड़े व्यथित हुए, उन्होंने कहा प्रभु मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है, आपके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, और मेरी सेवा में कोई कमी रह गई या मुझे कोई गलती हो गई जिसके कारण आप मुझे सजा दे रहे हैं। भगवान राम ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे जो कलयुग आएगा उसमें मानव इतने कष्ट में होगा कि वो अपना जीवन ही बड़ी मुश्किल से बिता पाएगा, और इसीलिए तुमको यहां रहना है। कलयुग में जो भी तुमको एक बार पुकारे तुम तुरंत उसके निदान करने के लिए पहुंच जाना, और यही कारण है कि राम जी के आदेश से हनुमान जी आज भी हम एक बार पुकारते हैं हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। कि मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, हनुमान जी के नाम से ही हमारे मन में उत्साह आ जाता है, और खासकर युवाओं को तो जय बजरंगबली बोलते ही उत्साह आ जाता है। ऐसा लगता है कि जय बजरंगबली बोलते ही हनुमान जी जिस प्रकार से समुद्र लांग गए थे उसी प्रकार से हम हमारे जीवन की नैया पार कर लेंगे। मैं क्षेत्र वैसे भी धर्म के प्रति बहुत हमेशा काम करते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय। जय महाबली हनुमान। कौन जगह संकट हर बली, कौन शुक्र केसरी नंदन और मारुति नंदन महावीर अंजलि को आज के भक्ति का सागर प्रारंभ हनुमान जी के आराधना से करें।
आज महावीर जयंती मना रहे हैं और इसी उत्सव में हम लोग जागरूकता यहाँ पे रेलवे क्षेत्र में करवा रहे हैं और ये पहला साल है और हम लोग सब मिल के युवा मोर्चा ये महामजदूर युवा मोर्चा अध्यक्ष जो है तामेश भाई और हम लोग सब मिल के इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। बंटी पार्षद मैं स्वयं हूँ और सब लोग उत्सव मन से, ये पहला साल है और बजरंग बली से और भगवान से दुआ करते हैं हम लोग को इसी तरह का सहयोग मिलते रहे और हर साल हम लोग कराने की इच्छुक रखें।